तो ये मैंने मंगाया है अमेजोन से, क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, और जो मेरा फोन है जो जिसमें ये वीडियो हो रहा है आईक्यू यूनियन प्रो का, उसका ना क्वालिटी, माइक की क्वालिटी में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आता है, वो तो नॉर्मली सब में आता है, तो इसलिए मैंने एक वायरलेस माइक्रोफोन मंगाया है। एंड इसका टेस्टिंग मैं आप लोग को वहां पे दिखाऊंगा, कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घूमने, उधर अच्छी तरह पता भी चल जाएगा क्या रेंज है, कैसा है, कैसे क्वालिटी आ रहा है, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ चेक होगा। एंड यहाँ पे घर पे मैं कर रहा हूँ इसका अनबॉक्सिंग, चलो देखते हैं। एंड उससे पहले आप लोग को काम करना है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, एंड सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम फेसबुक पे। चलो शुरू करते हैं। तो पैकेजिंग कुछ ऐसा आया है अमेजोन की तरफ से, और यहाँ पे सिंपल यार ओपन करते हैं। ठीक है, ग्रे नैरो की तरफ से वायरलेस माइक्रोफोन, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस लिखा है, बाप रे बाप, भाई देखो प्राइस कितना है इसका, 3999। इतने का नहीं पड़ा, इसका प्राइस बता दूँ, चलो अनबॉक्सिंग में बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका ये बिल है, बता दूंगा कितना प्राइस है। तो इसका ये कुछ बॉक्स ऐसे मिल जाता है देखने को, फ्रंट साइड है, एंड ये सिंगल वाला है, ठीक है। आपको ऐसा डुअल वाला भी मिल जाता है, और आपको इसमें जो होता है ना एप्पल के लिए जो होता है वो वाला पोर्ट मिलता है इसके साथ, लेकिन मैंने वो वाला नहीं मंगाया, तो उसको नहीं मंगाया है, उसे थोड़ा सा सस्ता पड़ गया मुझे, क्योंकि मेरे पास तो एंड्रॉयड है और उसमें टाइप सी होता है, और आजकल तो आईफोन में भी ये टाइप सी वाला सिस्टम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट लुक, दिस साइड वाला, एंड दिस इज बैक साइड, यहाँ पे कुछ चिपका हुआ है, और यहाँ पे कुछ डायग्राम बना हुआ है, एंड्रॉयड वर्जन और जेनेरिक वर्जन, अच्छा ये जेनेरिक वर्जन बोलते हो, ठीक है। तो उसमें आपको ये मिल जाता है, तो 100 रुपये का फर्क होता है बस, ज़्यादा नहीं। तो मैंने सोचा जब काम का है नहीं तो क्यों मंगाए, लेकिन अगर आपको मंगाना है, ज़रूरत है, तो आप मंगा सकते हो। मैं भी सोच रहा था कि ले लूँ, बाद में कहीं काम आ जाए, फिर लिया नहीं मैंने, और ठीक है चलो ओपन करते हैं। एंड ये पन्नी से पैक करके दिया तो अच्छी बात है, इनके और भी आते हैं कई सारे वेरिएशंस वगैरह, तो वाह पैकेजिंग तो काफ़ी सही लग रहा है, एंड कहीं डैमेज नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। तो यहाँ पे कुछ मिल जाता है हमें देखने को, प्लग एंड प्ले सबसे बढ़िया चीज़ है, देन 20 मीटर्स का इसका रेंज है, वो तो चेक कर लेंगे वहाँ पे, प्रिसाइज रेडियो, एंड फिर क्लियर ट्रिम्बर, फिर हाईली सेंसिटिव एंड वाइडली कंफर्टेबल, ये सब है इसमें लिखा हुआ। एंड चलो अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते क्या मिलता है हमें अंदर। वाह, तो सबसे पहले ये एक हमें मिल जाता है एक कार्ड, वारंटी कार्ड, ठीक है। आई थिंक प्लीज कॉन्टेक्ट द ऑफिशियल ब्रांड ईमेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द परचेज डेट टू रजिस्टर एंड एक्टिवेट द वारंटी सर्विस, तो कर लेना आप लोग 30 दिन के अंदर, और पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो भी देख लेना, चलो वो तो मिलेगा ही आपको। एंड ऐसा कुछ आता है, चलो चार्जिंग वगैरह के भी वहीं पर ही बता दूंगा, तो टेस्ट अच्छी तरह हो जाएगा कि कैसा बैकअप दे रहा है, कैसा वो है। एंड इसके अंदर ही हमारा मेन यूनिट है, वाह ये थोड़ा लूज सा लग रहा है मुझे, क्वालिटी तो और अच्छा तो बढ़िया होता, ठीक है चलेगा। एंड ये चेक करते हैं हमारा, इसमें आई थिंक वो है, ये आई थिंक आपका केबल होगा फॉर चार्जिंग के लिए, ऐसे खुलेगा यहाँ से, तो ये चार्जिंग के लिए केबल दिया, टाइप सी वाला केबल है, एंड वो है सिंपल वाला है, ठीक है चलो। अब देखते हैं माइक्रोफोन को, यार ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, मतलब काफ़ी लूज सा है यार ये, वाई दिस इज वेरी लूज, डोंट नो। एंड ये रहा माइक जो कि आपका आएगा कॉलर पे, यहाँ पे टाइप सी का भी ऑप्शन दे रखा है, एंड इधर ये रिसीवर है, देख रहे हो मतलब करते गिर जा रहा है ये। एंड ये आपका प्लग एंड प्ले है, बस आपको लगा दे रहा है एंड फिर यूज़ कर सकते हो। ये माइक का है, माइक ऑन करके देखते एक बार, चलो ऑन हो गया, इसको डालते ही हमारा पेयर हो जाएगा, अभी हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। क्वालिटी तो सही लग रही है इसकी, एंड यहाँ पे आप चार्जिंग के थ्रू भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी चार्जिंग कर सकते हो, अलग से दे रखा है। एंड ये हमें हटाना पड़ेगा फॉर चार्जिंग के लिए, तो इसको हमने हटा दिया, अगर इसको ये रहेगा तो फिर हमारा ये चार्ज नहीं होगा, तो अभी हम इस पर डाल के देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाता है।
ये देखो ये अभी ऑनली रेड दिखा, जैसे निकाला फिर हमें ऑन करना पड़ेगा इसको यहाँ से, यहाँ से होल्ड करना पड़ेगा। हाँ होल्ड करना पड़ेगा। इसमें वो भी सिस्टम है कि डबल टैप से वो नॉइस कैंसिलेशन से, वो सब हम लोग टेस्टिंग में दिखाएंगे ठीक है। एंड ये रिसीवर है एंड कुछ इसके अंदर का ऐसा मिलता है आपको। लेकिन यार मुझे ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है यार, ये इतना लूज क्यों है? ये देखो ये देखो, आपके पास अगर है तो बताना मुझे कमेंट में कि ऐसा ही है क्या आपका भी। ये तो काफ़ी बेकार लग रहा है। एंड यहाँ पे चार्जिंग का दे रखा है एंड इधर इसका लाइट की इंडिकेशन है। तो यही था कुछ इसका अनबॉक्सिंग। अभी हम लोग मिलेंगे वहाँ पे, तो उधर ही टेस्टिंग होगा, तो बने रहना वीडियो में। तो इसका प्राइस हमको पड़ा 1500 रुपये। एंड अगर आपको जेनेरिक वाला लेना है जिसमें आईफोन का रहता है कन्वर्टर, वो आपको पड़ेगा 1600 रुपये का ठीक है। एंड इसका डुअल वाला भी आता है, वो अराउंड 2100 का है। तो उन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो आप लोग। सो गाइस ये अभी मैं कर रहा हूँ टेस्टिंग ग्रेनेरो माइक का, और मैं अभी आपको इसका सब कुछ बताऊंगा इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को इसका नॉइस कैंसिलेशन दिखा दूँ। तो इसमें सबसे पहला वाला बटन दबा दे, वैसे शोर शराबा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूँ नॉइस कैंसिलेशन। ये फर्स्ट यहाँ पे ब्लिंक करता है एक बार, बस एक बार बटन दबाना है ठीक है। ये फर्स्ट का, अभी सेकंड करते हैं, दो बार ब्लिंक करेगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ठीक है, ये दो बार हो गया। एंड अभी और एक बार क्लिक करते हैं, तीन बार हो जाएगा, हो गया होगा ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस सुन सकते हो, मैं चुप हो जाता हूँ ठीक है। अब मैं और एक बार क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, जो कोई भी नॉइस कैंसिलेशन जो नहीं रहता ठीक है। तो अभी हम इसमें टेस्ट करेंगे सेकंड पे ठीक है। ये सेकंड पे अभी ठीक है, अब मैं तू ही रहे ठीक है। अब मैंने कैमरा को वहीं पे कर दिया और हम ये टेस्ट कर रहे हैं डोहरा ब्रिज में ठीक है। और ये हमारा है उत्तराखंड पे तेहरी लेक के यहाँ पे। तो सोचा था, मैंने बोला ही था वहाँ पे अनबॉक्सिंग में कि मैं यहाँ पे करूँगा और रेंज भी चेक हो जाएगा सही से ठीक है। तो इसमें म्यूट का ऑप्शन है, तो आप इसमें डबल क्लिक करोगे तो म्यूट हो जाएगा। अभी मैं फिर से दबा दिया तो ये अनम्यूट हो गया। एक बार चेक करना वहाँ पे फोन में आ रहा है लाइट, फोन में लाइट ब्लिंक कर रहा है, स्टिल है ना, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। तो यही है। और रिवर्ब के लिए एक बटन है, आई थिंक वो तीन बार दबाना पड़ता है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3। आई थिंक अभी रिवर्ब ऑन हो गया इसका ठीक है। रिवर्ब ऑफ करने के लिए आई थिंक तीन बार दबाना पड़ेगा, 1 2 3। एक बार ही चल रहा है लाइट। हाँ अब हम चेक करते हैं इसका रेंज, चलो चलते हैं। और काफ़ी दूर तक आ गया, कंपनी क्लेम करती है ये 20 मीटर्स का। चलते हैं अभी आगे और देखते हैं यार कैसा आता है। एंड प्राइस वगैरह आई थिंक बता दिया था मैंने, सही आ रहा है मतलब, तो क्लियर वॉइस है। अगर मैं यहाँ पर और वो रहा भाई वहाँ पे, जूम मत करियो, नॉर्मल में रखियो ठीक है। और मैं जा रहा हूँ पीछे की तरफ। एंड मुझे नहीं पता है अभी ब्रेक हो रहा है कि वॉइस, तो ऐसा कुछ आ रहा है। एंड यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, लाइट जो है ना माइक का, वो ब्लिंक नहीं करना चाहिए। अगर ब्लिंक करेगा तो या तो म्यूट होगा। तो आपका ये चेक करना है कि आपको कि वो लाइट जलते रहे। और काफ़ी दूर आ गया मैं, और चलो एंड आई डोंट नो कि साउंड इज कमिंग और नॉट, बट काफ़ी हद तक दो गांव को जोड़ता है ये ब्रिज। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं इस टाइम। एंड ये माइक मैंने इसलिए लिया है जिससे कि हमारा ये टेस्ट हो पाए अच्छी तरह। एंड काफ़ी नॉइस होता है। और ये भी कौन से आई थिंक भाई बैठ गया है, तो पैर थक गया होगा इसका। तो ये इसका टेस्टिंग मैं आप लोग को बता दिया। तो ऐसा
टेस्टिंग आई थिंक नहीं मिला होगा आप लोग को इस चैनल पे, तो यार सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टा पे, फेसबुक पे। एंड मैं बस आ गया हूँ। लाइट जल रहा है ना वहाँ पे? लाइट ऑन है ना? ठीक है, तो अगर कोई भी कुछ भी बोले ना कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना वॉइस पूरा सही आएगा, कोई कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं। चलो ये टेस्टिंग था इस वीडियो का, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा, तो ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।